आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, वो क्या होता है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है, तो इसको आज हम सीखने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ना, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो भी समकोण है, हम यहाँ पे ये पहली बात तो ये कोण कौन सा है, ये कोण समकोण है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो राइट एंगल है, जो पाइथागोरस प्रमेय है, उसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ यहाँ पे क्या होता है, नीचे होता है, उसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आधार, ठीक ना। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें क्या होता है ना कि इस जो ट्रायंगल है ना, जो ये ट्रायंगल है, उसका यूज होता है। देखिए जो चीज़ क्या होता है ना, जो भाग क्या होता है नीचे होता है, उसे बोलते हैं बेस आधार, और जो चीज़ क्या होता है ऐसे हाइट में होता है ना, उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसकी जो हिंदी क्या होती है, चाहे आप ऊंचाई बोलिए, ठीक ना। और यहाँ पे इसके बाद जो बचा, जो ये वाला भाग बचा, जो इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइपोटेनस है, देखिए यहाँ पे जो ये वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो ऐसे क्या है वर्टिकल में ऐसे क्या है स्टैंड है, उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है ये बना है कि अच्छा, यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको कौन बनाया है? तो इसको बनाए हैं पाइथागोरस जी ने। तो इसीलिए इनके यहाँ पे क्या पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, तो दिया था यूज। तो अब हम देखेंगे कि इसका फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? का वर्ग है, मतलब आधार का स्क्वायर है, प्लस क्या है, थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। अब देखेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, मतलब उसका जो प्रमेय है वो क्या होता है। तो इसका प्रमेय क्या होता है? इसका प्रमेय होता है हमारा बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसके बराबर में क्या होता है हमारा? एच का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है ये कौन दिया था? ये दिए थे पाइथागोरस जी ने। तो अब इसको अगर हिंदी में लिखे तो क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस क्या होता है? लंब का वर्ग, और बराबर में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये फार्मूला क्या था? पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे जो इसका फार्मूला है। देखिए यहाँ से आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पता है हमें। तो अगर यहाँ से हमें निकालना होगा लंब का स्क्वायर क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आधार का वर्ग है ना, अगर इसको भेज देंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो ये फार्मूला किसका हो गया? लंब का, मतलब परपेंडिकुलर का हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब हम देखने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप यहाँ, अब हम देखने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर जो प्रश्न है वो किस टाइप से हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे राइट एंगल दिया है, समकोण दिया है, और यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है, पहले इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है, हमें दिया गया है एसी, एसी कितना दिया गया है? वो दिया गया है 3 मीटर, ठीक ना। और यहाँ पे जो बीसी कितना दिया गया है? और यहाँ से बीसी दिया गया है हमें 4 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है जो ये वाला साइड है ए बी, इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ए बी हमें निकालना है। तो इस साइड को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये जो लंब है, मतलब हाइट है, हाइट का स्क्वायर प्लस क्या होता है? बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हाइट का स्क्वायर प्लस क्या होता है? बेस का स्क्वायर। ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है हमारा हाइपोटेनस के, हाइपोटेनस, ठीक ना।
तो ये तो हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस का। तो अगर ये फार्मूला आपको लर्न है, पता है, तो आप बहुत ही आसान वे से आप इसको निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पर साइड दिया गया है। तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट कितनी हमारी है, तो हाइट को बोलेंगे AC, AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे बेस कितना दिया गया, तो बेस यहाँ पे दिया है BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस कितना दिया गया है वो AB दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB का स्क्वायर। अब हम सिंपली यहाँ पे जो भी हम उसको हम यूज करके आसान तरीके से जो हमारा आंसर है उसको निकालेंगे। तो AC क्या दिया गया है, तो AC दिया गया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे BC कितना दिया गया है, तो BC दिया गया है 4। और यहाँ पे AB क्या है, AB हमें निकालना है, मतलब कि जो ये वाला साइड है जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ये हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ से AB क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और यहाँ पे AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो AB ही हम सेम को लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पे AB क्या होता है, हमें निकालना है। और यहाँ पे 9 प्लस 16 क्या होता है, तो 25 हो जाएगा। और यहाँ से AB का स्क्वायर, अब यहाँ से जो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अगर इस साइड आए चाहे इस साइड जाए, तो वो चेंज होता है रूट में। तो अगर यहाँ पे कर दें हम यहाँ पे √25, और यहाँ पे स्क्वायर क्या हो गया, चेंज हो गया रूट में, यहाँ से AB हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि रूट अगर 25 है, तो इसका मान क्या होता है, 5 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB क्या हमारा आ गया, 5 आ गया। तो AB कितना आ गया हमारा, तो AB यहाँ से क्या आ गया, तो AB हमारे यहाँ से 5 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका यूज इस प्रकार से होता है।